हेलो एवरीवन वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस अंकिता सूद एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेट 2023 के पेपर वन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आता है रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट के अंदर सो so इस टॉपिक का नाम है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च इस चीज़ को हम इंडक्शन और डिडक्शन के नाम से भी जानते हैं ये दोनों ही टाइप के रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होते हैं कैसे स्मार्ट ट्रिक्स के साथ इनको याद रखना है एंड इन दोनों टॉपिक्स में से किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो स्टूडेंट जरूर इस वीडियो को आप लोग देखिएगा के साथ स्टूडेंट्स आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम में हमारे पेपर पैटर्न को दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है पेपर वन एंड पेपर टू सो so, पेपर वन जो होता है ये सभी उम्मीदवारों के लिए कॉमन पेपर होता है इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर हमारे पास गैर कोर्सेज है सो so, वेस्ट बंगाल सेट पेपर वन का कंप्लीट कोर्स ग्लोबल ऑनलाइन की टीम आपके लिए लेकर के आई है इस कंप्लीट कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर देते हैं एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे हम स्मार्ट ट्रिक्स के साथ उनको सोल्व कर सकते हैं ये सारी चीजें वीडियो में हम आपकी कवर कराएंगे साथ ही फुल सिलेबस नोट्स हम आपको देते हैं फुल सिलेबस मॉक इज बहुत बार पूछे जाते हैं साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हम आपको देते हैं जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा की कि किस टॉपिक से किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन जनरली इस एग्जाम में पूछे जाते हैं सो so, इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर आप व्हाट्सअप की मदद से कांटेक्ट कर सकते हो एंड स्टूडेंट्स एक गुड न्यूज आपके लिए ये है कि जनरली इस कंप्लीट कोर्स की फी है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज बट अभी हम आपको दे रहे हैं फ्लैट ट्वेंटी परसेंट ऑफ यानी कि आपको इस कंप्लीट कोर्स के लिए सिर्फ दो हजार रुपए फीस देनी होगी एंड गारंटेड सिलेक्शन होगा आपका ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ इसके साथ ही अगर आप लोग कुछ डेमो क्लासेस देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एक लिंक मिलेगा ये लिंक हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन का है प्ले स्टोर पर हमारा ऐप कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा ये बिल्कुल फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन इंटरफेस नजर आएगा इस इंटरफेस के बाद आपको जाना है स्टोर स्टोर सेक्शन सेक्शन पे पे यहाँ पे सर्च बार में जाकर आपको डायरेक्टली टाइप करना है डब्ल्यू बी सेट एंड आपके सामने वेस्ट बंगाल सेट पेपर वन का कम्प्लीट कोर्स आ जाएगा जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप इस कोर्स का ओवरव्यू देख सकते हो इसकी ड्यूरेशन देख सकते हो देन आपको जाना है कंटेंट सेक्शन पे सो कंटेंट सेक्शन पे जाते ही आप देख सकते हो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं प्लस पे है जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होगी साथ ही पेपर वन के यूनिट वाइज कंप्लीट फोल्डर्स यहाँ पे है जिसमें की सारा का सारा कॉन्टेंट है जिसकी हेल्प से डेफिनेटली आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी वेस्ट बेंगाल सेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो सो so, जरूर आप इस ऐप को डाउनलोड करके डेमो क्लासेस देख सकते हो एंड हमारे कोर्स को उसके बाद ज्वाइन कर सकते हो इसी के साथ वेस्ट बंगाल सेट 2023 के पेपर टू का कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी ग्लोबल ऑनलाइन की टीम आपके लिए बहुत बार एज इज क्वेश्चन पूछे गए हैं सो आपके सामने टोटल ट्वेंटी सब्जेक्ट्स के लिस्ट आप देख सकते हो इसमें से जो भी आपका पेपर टू है उसको सेलेक्ट कीजिए एंड स्क्रीन पर ये जो दो व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहे हैं इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो स्टडी मेटीरियल

एक क्वेश्चन तो बहुत बार ये एज इट इज पूछा जाता है कि इंडक्टिव अप्रोच जो है वो बॉटम अप काम करती है या टॉप डाउन काम करती है सो so, इंडक्टिव में हम बॉटम अप काम करते हैं ठीक है बॉटम अप का मतलब होता है इंडक्टिव यानी कि अंदर की ओर ठीक है सो बॉटम से हम ऊपर की ओर जाते हैं राइट right? एंड दूसरी स्टेटमेंट यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि इंडक्टिव के केस में हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से किसी जर्नलाइज रिजल्ट ठीक है या फिर जर्नलाइज कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं इस चीज को आप लोग याद रख लीजिए हर एक यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि स्पेसिफिक टू जनरल अगर हम लोग मूव करते हैं तो वो इंडक्टिव है या डिडक्टिव है तो स्पेसिफिक टू जनरल हमेशा इंडक्टिव अप्रोच होता है बॉटम अप अप्रोच होता है राइट सो इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू ब्रॉड टू अ ब्रॉड जनरलाइजेशन एंड डिडक्टिव रीजनिंग क्या करता है इसके ऑपोजिट काम करता है उसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी ठीक है इसके साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम की हेल्प से बॉटम अप यानी कि नीचे से हम ऊपर की ओर जाएंगे पहला फेज होता है ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैंने बताया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से हम शुरू करते हैं ठीक है एंड थ्योरी की तरफ मूव करते हैं सो so, सबसे पहले स्टेप में आता है ऑब्जर्वेशन उसके बाद आता है पैटर्न देन टेंटेटिव हाइपोथीसिस टेंटेटिव हाइपोथीसिस एंड देन थ्योरी बिल्डिंग ठीक है सो ऑब्ज़र्वेशन की अगर हम लोग बात करते हैं ये क्या होता है जैसे कि एक लो कॉस्ट एयरलाइन फ्लाइट होती है उसका डिले हो जाता है ठीक है एक बेसिक सा नॉलेज है इसका मेन रीज़न क्या है वो हमें नहीं पता हमने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन बताई ठीक है जैसे एक ऑब्जर्वेशन ये होती है कि एलिफेंट्स जो है वो ज़िंदा रहने के लिए वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं पूरी तरह से तो ये हमारी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है इसके बाद हम क्या करेंगे पैटर्न की बात करेंगे यानी कि हम पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे ठीक है जैसे कि मैंने एलिफेंट्स वाला आप लोगों को बताया कि एलिफेंट्स जो है वो वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेकर चलते हैं तो यहाँ पे बोलेंगे हम कि इसके पैटर्न को हमने अगर ध्यान में रखा तो इसमें ये हमने बोला कि जितने भी एनिम एनिमल्स होते हैं या जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे ह्यूमन हैं एनि, एनिमल्स हैं ये सभी वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं अब हम ह्यूमंस हैं हम लोगों को अगर वाटर नहीं मिलेगा तो हम लोगों को भी डिफिकल्टीज होगी बहुत सारी चीजों में ठीक है तो ये आता है बेसिक ऑब्जर्वेशन से हमने थोड़े से हायर लेवल के पैटर्न को समझने की कोशिश की ठीक है नेक्स्ट आता है हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना ठीक है सो इसका मतलब ये है कि जो बायोलॉजिकल लाइफ होती है इसमें हम लोगों ने हाइपोथेसिस ये लगाया कि जो भी बायोलॉजिकल लाइफ uh, होती है वो सभी वाटर पे डिपेंडेंट होती है ठीक है जैसे कि हमने एयरलाइंस की बात की थी तो जितने भी लो कॉस्ट एयरलाइंस होते हैं उसकी टिकट हम लोग बोलते हैं कि वो डिले होते रहते हैं तो यहाँ पे ये बोलेंगे कि लो कॉस्ट है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी पूरी फैसिलिटीज़ तो वो नहीं देंगे ठीक है सस्ती चीज का ये बोला जाता है ना कि जनरली सस्ती चीज लेते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही होगी वही चीज यहाँ हाइपोथिस स्टेज में आती है ठीक है सो नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्योरी यानी कि इसके पीछे कोई ना कोई थ्योरी है कोई ना कोई रीजंस है इसी वजह से इन सब चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहां तक लेकर आए हैं ठीक है सो आई होप इस कॉन्सेप्ट से आप लोगों को इस रियल लाइफ एग्जांपल से ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी इसके साथ यहाँ पे ये बोला गया है कि इंडक्टिव रीजनिंग बाय इट्स वेरी नेचर इज़ मोर ओपन एंडेड एंड एक्सप्लोरेटरी एस्पेशली एट द बिगनिंग ठीक है सो जो बिगनिंग में होता है ये जो पहला स्टेज होता है इस रीजनिंग का इस रिसर्च के टाइप का ठीक है ये बहुत ओपन एंडेड होता है एंड ये एक्सप्लोरेटरी होता है यानी कि इसी स्टेज पे हम लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कोई नई 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 चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं ठीक है सो इंडक्टिव रीजनिंग के मैंने आप लोगों को यूज़ बता दिए अब इसके साथ ही अब देखते हैं कि इसके लिमिटेशन्स uh, क्या है सो कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एन इंडक्टिव मेथड कैन नेवर बी प्रूवन बट इट कैन बी इनवेलीटेड ठीक है इस तरह के जो रिजल्ट होते हैं इस तरह की जो भी थ्योरीज होती हैं उनका कोई फाइनल कंक्लूजन कभी भी नहीं आता ठीक है लेकिन इस पर हम लोग इसको इनवैलिड प्रूव कर सकते हैं ठीक है आप लोग बस इतना याद रख रख लीजिए कि एग्जाम्पल अगर कभी एग्जाम में दिया होगा कि जहां पे हमने पूरा ऑब्जर्वेशन किया हाइपोथेसिस ले लिए लेकिन फाइनल कंक्लूजन जो है वो हमारा एक प्रॉपर नहीं था जिस चीज की हम डिमांड करते थे तो वो कौन सा अप्रोच होगा तो वो इंडक्टिव अप्रोच होता है ठीक है सो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सो so दैट आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस को प्रेजेंट किया जाता है तो यहाँ पे बोला गया है द रीजनिंग विच वुड बी हेल्पफुल इन सीकिंग न्यू नॉलेज वो कौन सी रीजनिंग है जहाँ से हम लोग नए नॉलेज को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं सीक करने की कोशिश करते हैं ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड यानी कि हमारे पास वर्ल्ड का कोई कोई भी टॉपिक ले लो पूरे वर्ल्ड में इतने सारी चीज़ें हैं कोई भी टॉपिक ले लो उसके थोड़े बहुत फैक्ट्स हमें पता है ठीक है उस चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत लिटिल नॉलेज हम लोगों को है ठीक है उस लिटिल नॉलेज को हम लोगों ने एनहांस करना है उस चीज़ पे और नॉलेज हम लोग लेना चाहते हैं तो कौन सी रीजनिंग यूज़ होती है डेमोस्ट्रेटिव डिडक्टिव इंडक्टिव या फिर नन ऑफ दी अब तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है कि हम लोग बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं एंड ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करने तक पहुँच जाते हैं वो होता है इंडक्टिव ठीक है इसको आप लोग याद रखिए बॉटम अप यानी कि हम लोग पहले बिल्कुल लोअर लेवल पे थे बिल्कुल कम नॉलेज था हम लोगों को बॉटम से हम अप में पहुंच गए यानी कि अब हमारा नॉलेज क्या है वो एनहांस हो गया है चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज हम लोगों को हो गया है ठीक है सो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पे राइट right आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज़ इंडक्टिव रीजनिंग ठीक है सो इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है इसमें हम क्या करते हैं जनरल कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम अ सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए कि यहां पे हम लोग जनरल ऑब्जर्वेशन को ड्रॉ करते हैं राइट बॉटम अप अप्रोच बॉटम अप अप्रोच होता है ये बिकॉज इट इन्वॉल्व वाइडनिंग स्पेसिफिक प्रेमाइसिस आउट इंटू बॉर्डर जर्नलाइजेशन टू कम अप विथ न्यू थियोरी एंड नॉलेज ठीक है so, सो इसीलिए यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग को यूज किया जाता है नेक्स्ट है डिडक्टिव रीजनिंग ये क्या है ये टॉप डाउन अप्रोच होता है यानी कि हम पहले हायर लेवल पे थे वहां से हम नीचे की ओर मूव करते हैं इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताती हूँ जो कि एग्जाम में पूछी जाती है जो कि डिफरेंस भी है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव के बीच में ठीक है वो ये है कि इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है इसमें हम लोग डेवलप करते हैं थ्योरी को इंडक्टिव के केस में हम लोग थ्योरी को डेवलप करते हैं ठीक है एग्जाम में ये भी पूछा जाता है इंडक्टिव रीजनिंग एम्स एट डेवलपिंग अ थ्योरी वाइल डिडक्टिव रीजनिंग एम्स एट टेस्टिंग एन एग्जिस्टिंग थ्योरी डिडक्टिव में क्या करते हैं हम लोग टेस्ट करते हैं एग्जिस्टिंग थ्योरी को ठीक है यानी कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक थ्योरी है पूरा कंक्लूजन है हम उसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये थ्योरी फाइनल है या नहीं है हम लोग यहाँ से कंफर्मेशन तक जाते हैं राइट right? तो सबसे पहले अगर हम लोग करते हैं थ्योरी है हमारे पास तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम्पल हमने देखा था कि जितनी भी बायोलॉजिकल लाइफ्स होती हैं वो वाटर पे डिपेंडेंट करती है इस चीज़ का फुल प्रूफ है हमारे पास ये आता है थियरी के अंदर ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं तो इसमें हमने क्या किया इसमें हमने बोला कि जितने भी अर्थ पे रहने वाले मैमल्स होते हैं ठीक है थीके? उन सभी को वाटर की ज़रूरत पड़ती है जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है उसके बाद आते हैं हम ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन को एनालिसिस स्टेज भी बोला जाता है इसमें हम लोग एनालाइज करते हैं या टेस्ट करते हैं डेटा को ठीक है तो इसमें हमने क्या बोला कि जितने भी चीज़ें होती हैं अगेन वही बात है कि वो सभी वाटर पे डिपेंडेंट होती है अब इसकी कन्फर्मेशन हम कैसे करेंगे इसकी कन्फर्मेशन हम ये करेंगे कि जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशंस थे जितनी भी हमारी थ्योरीज थी अगर वो सभी चीज़ें ट्रू होती हैं ये सभी चीज़ें अगर ट्रू होती हैं तो हमारा कंक्लूजन जो है वो ऑलवेज ट्रू होगा ठीक है सो डिडक्टिव में आपने ये याद रखना है कि अगर ऊपर की सभी स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं, तो कंक्लूजन भी हमेशा ट्रू होगा ही होगा ठीक है so, इसमें हम लोग जनरल से मोर स्पेसिफिक की तरफ को मूव करते हैं टॉप से बॉटम की तरफ को मूव करते हैं राइट right? सो so, इन चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिडक्टिव रीजनिंग इज़ मोर नैरो इन नेचर एंड कंसर्न विद टेस्टिंग एंड कन्फर्मिंग द हाइपोथेसिस यानी कि जो भी हमने गेस की थी चीज़ें जो भी अनुमान हमने लगाए थे उन चीज़ों को कंफर्म करने पे हमारा मेजर फोकस होता है डिडक्टिव रीजनिंग में सो so, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने कोई अनुमान लगाया है किसी के एक पर्टिकुलर चीज़ पे हम लोग कुछ गेस करते हैं एंड हम चाहते हैं कि अपने इस गेस

क्या करना है डायरेक्टली आप लोगों ने ऑप्शंस पे मूव करना है सो so, ऑप्शन में आप लोग देख कर ही बता सकते हो कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हमें मूव करना है दैट मींस डिडक्टिव की तरफ हमें जाना है ठीक है so, सो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे अगेन मैं आप लोगों को बता दूँ ऑब्जर्वेशन जर्नलाइजेशन एंड एन थियोरी इन केस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग सो डिडक्टिव हमने नीचे लिखा है यानी कि हम नीचे की तरफ को मूव करते हैं थियरी प्रिडिक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट इसको याद रखने का एक और तरीका मैं बताती हूँ डिडक्टिव यानी कि हम क्या कर रहे हैं किसी चीज़ को डिडक्ट कर रहे हैं डिडक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को माइनस कर रहे हैं किसी चीज़ को हम कम कर रहे हैं ठीक है सो डिडक्टिव में प्रॉपर हमारे पास रिज़ल्ट है लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि रिजल्ट आया कैसे तो प्रॉपर से हम नीचे की तरफ जाते हैं यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो डिडक्टिव कम यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे सो आई होप ये ट्रिक आप लोगों को याद रहेगी समझ आ चुकी होगी एग्जाम में आप लोग इसी तरह से चीजें कर सकते हो ठीक है सो so, ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि थ्योरी क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को इस वीडियो पर ही मिलेगा अगर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो आप लोग इसका आंसर मुझे इजीली दे सकते हो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दीजिएगा एंड मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है या नहीं आई है या कोई भी टॉपिक में इश्यूज़ हैं तो वो भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो सो so, ये क्वेश्चन है वॉट इज़ टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक स्पेसिफिक टू जनरल ईजी टू डिफ़िकल्ट या वन ऑफ वन एंड थ्री ठीक है सो बहुत ईजी क्वेश्चन है इसका आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा एंड इसके अलावा एक चीज़ और मैं मिस कर गई हूँ दैट इज़ इन डिडक्टिव मैथड सो जो डिडक्टिव मैथड होता है ना ये टीचर सेंटर्ड मैथड होता है ठीक है ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है किसी भी नए कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए अब टीचर सेंटर्ड मेथड का मतलब होता है कि एक टीचर पे फोकस रहेगा टीचर क्या पढ़ाना चाहता है वो कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा क्या मन है उनका किस मेथड से वो पढ़ाना चाहते हैं वो एम सी क्यूज के थ्रू या वो थियरी के थ्रू किस तरह से पढ़ाना चाहते हैं ये सब चीज़ें टीचर पे डिपेंडेंट करती है स्टूडेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता ठीक है सो डिडक्टिव मेथड हमेशा टीचर सेंटर्ड मेथड होता है सो so, यहाँ पे आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा एंड इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फीस मैं बता चुकी हूँ कि बहुत ही कम है दैट इज़ फाइव एंड इसके साथ ही हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे इसी कंटेंट से आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के पीएचडी एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोग विद इन अ मंथ और टू आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो ठीक है so, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट